विषम जाठर अग्नि वात रोगों का निर्माण करता है। तीक्ष्ण अग्नि पित्त रोग बढ़ाता है। मंदाग्नि कफ विकार उत्पन्न करता है। समाग्नि उत्तम प्रमाण में भक्षण किया हुआ अन्न योग्य रीति से पचन करता है। मंदाग्नि तीक्ष्णाग्नि अथवा विषमाग्नि ये जाठर अग्नि ठीक नहीं। इनके कारण कभी पचन होता है कभी नहीं, परंतु जो समाग्नि है वह सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को यह समाग्नि अपने में स्थिर करना चाहिए। इस अग्नि का स्थान अपने देह में देखिए। नाभि के वाम भाग में सोम का मंडल है, मध्य भाग में सूर्य मंडल है, उसके अंदर अग्नि व्यवस्था से रहा है। जैसा शीशे में दीप होता है, इस अग्नि को सम रखना मनुष्य का कार्य है। सब वैद्यों को भी यही कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार जैसा सूर्य आकाश में रहता हुआ अपने किरणों से सब जल स्थानों को सुखाता है, उस प्रकार यह जाठर अग्नि प्राणियों का भक्षण किया अन्न अपने किरणों से पकाता है। स्थूल देह वाले प्राणियों में यह जौ के समान होता है और छोटे कृमियों में यह बाल के समान सूक्ष्म प्रमाण में रहता है। इससे सब अन्न पचता है, आरोग्य स्थिर रहता है और दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। जैसा सूर्य के सामने घने बादल आने से और मेघाच्छादित दिन अनेक दिवस रहने से लोह शक्ति व प्राप्त होने के कारण प्राणियों की पाचन शक्ति कम होती है, बरसात में इसी कारण पाचन शक्ति क्षीण होती है। इसी प्रकार प्राणियों के अंदर का जठर का अग्नि प्रदीप्त स्थिति में बहुत समय ना रहा तो पाचन शक्ति कम होती है, अपचन होता है, रोग बढ़ते हैं और जीवन की मर्यादा क्षीण होती जाती है। इस प्रकार जाठर अग्नि के सम होने और विषम होने से प्राणियों की जीवन मर्यादा संबंधित है। इसी कारण अग्नि को अर्थात जाठर अग्नि को आयु वाला अर्थात आयु बढ़ाने वाला, जिसके पास आयु है अमर, रोगादि कम करने वाला, जिसके पास रोग और मृत्यु नहीं होते, इस जाठर अग्नि से प्राण शक्ति जीवन शक्ति बढ़ती है, इत्यादि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। इन सब विशेषणों की सार्थकता इसका स्वरूप जाठराग्नि है ऐसा मानने से ही हो सकती है। इससे निम्नलिखित संस्कृत नाम भी शरीरस्थ जाठराग्नि के विषय में कैसे संगत होते हैं वह देखिए। पहला तनुमपात, शरीर को ना गिराने वाला, शरीर का पतन ना होने देने वाला। दूसरा पावक, पवित्रता करने वाला। तीसरा हुत भुक्क हव्य भुक्क, अन्न खाने वाला। चौथा पाचन, पचन करने वाला। आश्रयाश आश्याश, पेट में गया अन्न खाने वाला। ये जाठर अग्नि के नाम कितने सार्थ हैं यह भी पाठक यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तक जाठर अग्नि के गुणों का वर्णन वैद्यक ग्रंथों में है, पाठक इसका यहाँ विचार करें। अब अग्नि के गुण वैद्य शास्त्र में क्या लिखे हैं सो देखते हैं। अग्नि का ताप वात कफ स्तब्धता शीत और कंप को दूर करता है, रक्त और पित्त का प्रकोप करता है, अमाशय अर्थात पेट को ठीक करता है। यदि अग्नि ताप से भी वात कफ और शीत संबंध के रोगों में लाभ होते हैं तो प्रतिदिन हवन करने वाले लोग और हवन की अग्नि से शरीर को तपाने वाले लोग कम से कम इन रोगों से तो बच सकते हैं। हवन से यह एक लाभ वैद्यक ग्रंथों के प्रतिपादन द्वारा सिद्ध हुआ है। सब औषधि उपाय का विचार करते हैं। औषधि प्रयोग दीर्घ आयु प्राप्त करने के अनेक उपाय हैं, उनमें औषधि का सेवन भी एक उपाय है। योग्य औषधि का सेवन योग्य रीति से करने से रोग दूर होते हैं, निरोगता बढ़ती है और दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है। इसीलिए इस सूक्त में कहा है, हे मनुष्य तू इस अमृत रस के पान का प्रारंभ कर। अर्थात औषधि का रस जो जीवन वर्धक होगा उसका योग्य रीति से सेवन कर। अमृत शनुष्टि का अर्थ अमृत्व देने वाला रसपान है। ऐसे रसपान का सेवन करना चाहिए कि जो अमरपन को बढ़ाने वाला हो,
अमरपन का अर्थ दीर्घ जीवन, दीर्घ आरोग्य और रोगों से पूर्णतया दूर रहना है। जो औषधि रस इन गुणों की वृद्धि करते हैं उनका सेवन करना योग्य है। अतः कहा है कि इस मनुष्य के लिए रोग निवृत्ति के उद्देश्य से मैं औषधि बनाता हूँ। हे मृत्यु, अब इस पुरुष का वध ना कर। इस मंत्र से स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकार विविध चिकित्साएं करने से मनुष्य पूर्ण रोग मुक्त हो सकता है और उसका मृत्यु भय दूर हो जाता है। इसी विषय में निम्नलिखित मंत्र देखिए। मैं इस रोगी को सुख का विस्तार करने के लिए जीवन देने वाली और कभी हानि ना करने वाली, रक्षा करने वाली, रोग हटाने वाली और बल बढ़ाने वाली जीवंती नामक औषधि को देता हूँ। इस मंत्र में जीवंती औषधि का उपयोग करने का विधान है। इस औषधि का नाम जीवंती इसलिए है कि यह औषधि मनुष्य को दीर्घ जीवन देती है, रोगों से बचाती है, आरोग्य देती है, बल देने वाली है, मनुष्य को बलशाली करती है। इतना ही नहीं परंतु विविध रोगों को परास्त करती है, अपने बल से क्षीणता आदि को हटाती है। इस प्रकार अनेक रीतियों से मनुष्य की रक्षा करती है। यह औषधि कभी किसी की हानि नहीं करती, सदा किसी न किसी रूप से लाभ ही पहुंचाती है। इस प्रकार इस जीवंती औषधि का वर्णन इस वेद मंत्र में है। इस जीवंती औषधि के विषय में वैद्य ग्रंथों में निम्नलिखित बातें मिलती हैं। इसके फूल अत्यंत मीठे होते हैं, अतः इसको जीव शाक कहते हैं। इसके मधुर और अमधुर ये दो भेद हैं। मधुर जीवंती से त्रिदोष हटता है और अमधुर जीवंती से पित्त दूर होता है। मधुर जीवंती का रस मीठा, शीत वीर और परिपाक भी मधुर होता है। इससे दृष्टि दोष दूर होते हैं और प्रायः सभी रोग दूर होते हैं। शाक में जीवंती श्रेष्ठ शाक है ऐसा कहा है। वैद्य शाक में जीवंती के अर्थ गुलवेल, हरितकी, मैदा, काकोली, हरिणी, मधुवृक्ष, शमी इतने हैं। इनके नाम जीवनी, जीवनिया, जीवा, जीवना, मंगलय, नामधेया, जीवया, जीवदा, जीवदात्री, जीवभद्रा, भद्रा, मंगलया, यशस्या, जीव ईष्टा, पुत्र भद्रा, जीवुष्वा, सुखकरी, जीवपत्री, जीवपुष्पी संस्कृत में और वैद्य ग्रंथों में हैं। इन नामों से स्पष्ट हो जाता है कि यह वनस्पति जीवन देने वाली है। अतः इस विषय में कहा है, इस जीवंती औषधि का सुवर्ण के समान वर्ण है। यह काठियावाड़ में होती है, इससे दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। इस कारण इसका नाम जीवंती है। इसके गुण ये हैं, मधुर, शीत, रक्त, पीत, वात, क्षय, दाह, ज्वर का नाश करने वाली, कफ बढ़ाने वाली, वीर्य बढ़ाने वाली, रसायन धर्म वाली और भूत रोग को दूर करने वाली है। इस प्रकार इस जीवंती औषधि के गुण हैं। पाठक इस औषधि का प्रयोग करें। वैद्य ग्रंथों में इसके विविध प्रयोग किए हैं और सुयोग्य वैद्यों के द्वारा इसके सेवन विधि का ज्ञान हो सकता है। यह उत्तम औषधि है और आरोग्य तक और दीर्घ आयु देने वाली है। इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र यहाँ देखने योग्य हैं। धूलोक और पृथ्वी लोक के सब पदार्थ तेरा संताप ना बढ़ावे। इतना ही नहीं परंतु वे तेरे लिए शोभा और ऐश्वर्य देवे। सूर्य तेरे लिए सुख देवे, वायु तुझे सुख देवे, जल से तुझे आनंद प्राप्त होवे। औषधियाँ तेरा सुख बढ़ावे। ये औषधियाँ भूमि से लाई हैं, सूर्य और चंद्र तेरी रक्षा करें। इन मंत्रों में कहा है कि जगत सब पदार्थ अर्थात सूर्य, चंद्र, वायु, जल, भूमि, औषधि, जल, वायु, तेज आदि अनंत पदार्थ मनुष्य का सुख बढ़ावे, मनुष्य को शांति दे, मनुष्य का संताप बढ़ाने वाले ना हो। इसका तात्पर्य यह है कि ये सब पदार्थ योग्य रीति से बढ़ते जाने पर मनुष्य का सुख बढ़ाने वाले होते हैं। इन पदार्थों का उपयोग करने की विधि वैद्य ग्रंथों में अर्थात आयुर्वेद में लिखी गई है। जो पाठक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे इसका अभ्यास करें। इसी संबंध में निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य हैं। अग्नि का शरीर रोगों से पार करने वाला है। यह अग्नि का शरीर राक्षसों का नाश करता है तथा
अन्य नए शत्रुओं को दूर करने वाला है। इसी प्रकार वह नामाशय के सब दोषों को हटाता है। यह पुत्रोदु नामक औषध है। अग्नि का यह वर्णन हर एक को ध्यान में धारण करने योग्य है।